Assalamu alaikum viewers, welcome to Cooking with Anjum Shahid channel. Viewers, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश और सेहतमंद रखे, आपको हर तकलीफ से और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। तो viewers, आज किचन में मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइज पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने चिकन ली है, तकरीबन ये 600 ग्राम्स है। आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकती हैं, बोनलेस आपने चिकन लेनी है। मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में मैं इसको काट रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में। ये देखें इस तरह करके, ये ऐसे चिकन हमने कट कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक। ये छोटे छोटे हमने पीसीस लिए हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कट किए हैं इस तरह, इस फॉर्म में, ये देखें, ताकि ये फौरन ही फ्राई करते करते ही ये पक जाए। और अगर आप ब्रेस्ट लेंगी तो फिर आपको उसको फिर अलग अलग करना पड़ेगा रेशे रेशे, तो हमने पहले ही इसको अलग कर लिया। अब मैं इसको घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। चिप्स जो है, फ्राइज जो हैं, वो कट कर दिए हैं और वो ड्राई हो रहे हैं, उनका पानी एक साइड पे रख दिया। छत्ती जो है कट हो गई है, ये हाफ के जी से ज़्यादा है, 600 ग्राम है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून या 3/4 स्पून, क्योंकि उसमें जो है फ्राइज़ को भी हल्का सा मैंने नमक लगाया है और चीज़ में भी नमक होता है, तो आप कोशिश करें कि नमक जो है वो थोड़ा लें। और 1 टेबल स्पून जो है इसमें ये दही, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी डालूंगी। दोनों चीज़ें, चिकन मैरिनेट हो गई है और फ्राइज जो है ये हमारे कटे हुए हैं और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है पैन में पड़ा हुआ है, अब हम इधर से ये फ्राइज को फ्राई करेंगे और उधर से हम चिकन को दूसरे उस पे चूल्हे पे रखेंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी तैयार हो जाएंगी। ऑयल लें और इसमें जो है ये चिकन रखें फ्राई करने के लिए। चिकन ड्राई होने वाली है, इसको हम 1 मिनट के लिए जो है कवर करके रख देंगे और फ्लेम को हल्का सा लो कर लेंगे। उधर से हमारे फ्राइज जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। फ्राई हो गई है, आपको मैं बताती चलूँ कि फ्राइज को जो है काट के मैंने उनको नमक और काली मिर्च भी लगाई थी ताकि फ्राइज जो है वो फीके ना रहे और उनका भी जो है ना वो टेस्ट आए। तो आप भी ये प्लीज़ कीजिएगा, जब भी आप फ्राइज काटें तो उसको नमक काली मिर्च आपने लगा के रख देना है ताकि आपके फ्राइज जो हैं वो स्पाइसी हों। इसको जो है फ्राई पैन में तह लगा रही हूँ, आप चाहें तो उसमें ओवन में भी लगा सकती हैं। मैंने ये थोड़ी सी वाइट सॉस तैयार की है, वाइट सॉस की डिस्क्रिप्शन में पहले भी पिज़्ज़ा में और लज़ानिया में मैं आपको रेसिपी दे चुकी। चीज़ क्रश की हुई है, ये इसको ऊपर से डालें, जितना आपको चीज़ी जो है ये चाहिए आप उतना ही जो है चीज़ डालें। ओरिगैनो अब लो फ्लेम पे कवर करके रख दें।
लीजिए व्यूवर्स, हमारे जो है वो चिकन चीज़ फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं, और फ्राई पैन में देखें ये कितने खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सेम जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। तो चलें इसका फ्लेम बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं। आज की मज़ेदार रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।